The Help It chapter in Jaipur distributing ration and food to the old in this area. Since the past 27 days, they have been working and have distributed more than 3,000 ration kits. So what really is the aim and why reaching out to the elderly? I have with me Nilesh Kumar, who's handling the Jaipur chapter of Helpage. Nilesh, why the elderly? Is it ki aapko lagta hai ki sabse jyada aise time mein jo social fabric aisa hai ki elderly jo hain wo neglect hote hain? बेसिकली क्या होता है कि जब ऐसी कोई आपदा या इस तरीके का कोई इश्यूज आता है तो ज़्यादातर है कि यंग्स यह लोग हैं जो अपने आप को संभाल लेते हैं, बट एल्डरली या वृद्धजन है वो ऐसे ही इस तरीके उनको बहुत सारे इश्यूज होते हैं तो वो अपने आप को खुद नहीं संभाल पाते हैं। दैट्स वाई उनको एक सपोर्ट चाहिए, एक हेल्प चाहिए ताकि वो अपना खुद का भी सर्वाइव कर सके। और ज़्यादातर फैमिलीज में होता है, बहुत सारे सीनियर सिटी वृद्धजनों को फैमिली का भी एक सपोर्ट नहीं रहता है, तो इस माध्यम से हम लोग ये विप्र एक्टिविटीज़ और करते हैं ताकि अलग अलग माध्यम से हम उनको ड्राई राशन किट है, कुक्ड फूड है या हाइजेनिक किट है जो उनको काम लगे, इसलिए हम लोग ये करीब 27 दिन से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। प्रहलाद है मेरा नाम। प्रहलाद। प्रहलाद जी, क्या करते थे आप पहले? सिलाई काम करते हैं। हाँ, अभी भी करते हैं? तो अभी कोई काम मिल रहा है? अभी तो काम नहीं है, कुछ नहीं। तो ऐसे में बूढ़े लोगों की मुश्किल क्यों ज्यादा होती है? बूढ़े लोगों को तो क्या चाहिए, मतलब मान लो टाइम से टाइम, अगर बच्चों की वजह से दिक्कत नहीं है तो बूढ़ों को दिक्कत नहीं है। अगर बूढ़ों पर जिम्मेदारी हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है। सो फॉर दोज हु रिसीव अ रेशन किट हियर फ्रॉम हेल्पेज, इट्स ऑफन अ मीन्स टू सर्वाइव, बट परहैप्स इन द फैमिली इट्स समथिंग इवन मोर इम्पोर्टेंट। इफ द एल्डरली कैन ब्रिंग समथिंग होम, देन इट्स ऑल्सो a certain amount of respect and dignity that has been provided to them by Helpage.